हमेशा बांध कर रखने वाले को सलाम। और प्रधानमंत्री मंच पर आ गए हैं। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का बरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट। गोपी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। गोपी, प्रधानमंत्री ने अभी अभी शपथ दिलाई और तमाम लोगों में, उनकी बातों में और जिस तरह से वो शपथ ले रहे थे, साफ लग रहा था देशभक्ति की भावना हिलोरे मार रही थी और पूरे देश को एक तरह से मैसेज के वड़िया से, बहुत बड़ा मैसेज कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखना है और हम सभी को इसके लिए प्रण लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल श्वेता, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और जब सरदार पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था, राजा रजवाड़ाओं को एक किया था, तो वैसे में ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने, चाहे वो 370 हटाने की बात हो या फिर देश के लिए अपनी जान निछावर करने की बात हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो शपथ दिलवाई उसमें भी जो राष्ट्रीय एकता की बात की गई है, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरदार पटेल का ये सपना था और देश को एक सूत्र में बांधना, यही अब प्रधानमंत्री का सपना है और वो भी सपना जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार की, और वहां से ये शपथ लिए गए हैं, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है श्वेता। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं गोपी यहाँ से तस्वीरें, अब बच्चे ग्राउंड से जा रहे हैं, अब लेकिन आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या प्रधानमंत्री अब यहाँ से फिर से सरदार पटेल की जो वो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या वहाँ पर जाएंगे या फिर लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे यहाँ पे परेड ग्राउंड पे थे वो अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं और खास करके जो उनका जो परफॉर्मेंस था वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे किस तरीके से आपातकाल के दौरान काम करती है और वैसे हालात में जबकि ऊँची इमारत में आग लग जाती है या फिर कहीं पर भी बाढ़ जैसे हालात में लोग फंस जाते हैं, तो किस तरीके से NDRF की जो टीम है वो अपनी जान पे खेल के लोगों की जान को बचाते हैं, हमारे देश की आर्मी किस तरीके से काम करती है, यह सारी चीज़ें यहाँ पे जो परफॉर्म यहाँ पे परेड ग्राउंड है वहाँ पे ये सारी चीज़ों का को दिखाई जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि